नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है और आज से खोल दिए हैं सभी स्कूल। लेकिन ध्यान रखें, ये खास बातें देखिएगा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हरियाणा के शिक्षा विभाग की तरफ से। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर रोज़ लेके आते रहते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा भाई, सोमवार से अभिभावकों की सहमति से स्कूल में आ सकेंगे विद्यार्थी। पिछले करीब 6 महीनों से बंद चल रहे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से रौनक शुरू हो जाएगी। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों से बातचीत के लिए आ सकते हैं। स्कूलों में आने से पहले विद्यार्थियों को अभिभावकों से परमिशन लेनी होगी। इसी तरह से केवल वही शिक्षक स्कूल में आ सकेंगे जो कोरोना नेगेटिव है। सरकार 80,000 से अधिक शिक्षकों को कोरोना टेस्ट करवा रही है। स्कूलों में विद्यार्थियों की एंट्री के फैसले के बाद ही शिक्षा विभाग ने जरूरत तैयारियां शुरू कर दी है। सभी स्कूल मुखियाओं को कहा गया है कि थर्मल स्कैनर के बिना स्कूल में किसी की एंट्री न हो। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बार बार सैनिटाइज करने होने होंगे और सभी के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। इस बारे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक भी हुई हो चुकी है। सरकार ने विद्यार्थियों की स्कूलों एंट्री तो 19 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इन दौरान नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को केवल इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि वे अपने समस्याओं का समाधान शिक्षकों से ले सकें। नियमित कक्षाओं पर फैसला अगले माह संभव है, यानी कि नियमित जो कक्षाएं लगेगी वो अभी नहीं लगने वाली है भाई, अगले महीने उस पर फैसला संभव हो कि अगले महीने से आपकी नियमित कक्षाएं भी लग जाए। आज से आप स्कूल जा सकते हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पर क्लास नहीं लगेगी। आप अपनी बातचीत कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं स्कूल के अध्यापकों से, ठीक है भाई। तो जाइएगा स्कूल में, शिक्षा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।